প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর হিতাধিকারী সকলের সঙ্গে মত বিনিময় প্রধানমন্ত্রীর আমি পোনপটিয়া সম্প্রচার আগবাম আপনার এয়া হয়েছে ভারত সংকল্প যাত্রার খবর যত দেশের প্রধানমন্ত্রী অংশ লৈছে আর দেশবাসী সম্বোধন করেছে প্রধানমন্ত্রী মোদী রঙ্গোলি নেই বনাই তো গাঁওকে ফুল পত্তে পৌধে লেকর কে কী সুখে পত্তে হরে পত্তে জোড় করকে বহুত বড়িয়া বড়িয়া রঙ্গোলিয়া বনাই হ্যাঁ अच्छे नारे लिखे हैं लोगों ने कुछ स्कूलों के अंदर नारे लिखने की स्पर्धाएं हुई है मुझे बताया गया है कि कुछ गांवों में तो गारंटी वाली गाड़ी आने पर हर घर के दरवाजे पर जिस दिन आने वाली थी उसके एक दिन पहले शाम को लोगों ने घर के बाहर दिया जलाया ताकि पूरे गांव में गारंटी वाली गाड़ी का एक वातावरण बन जाए यानी ये जो लोगों का उमंग है और कुछ लोग तो मैंने सुना कि गांव के बाहर तक जाते हैं गाड़ी आने वाली है तो पूजा का सामान लेकर के आरती लेकर के फूल लेकर के गांव के दरवाजे यानी गांव के बाहर जो पेड़ होता है नाका होता है या गेट होता है वहां तक गए और गाड़ी का स्वागत करते हुए अंदर तक ले गए नारे बोलते बोलते यानी पूरे गांव में जैसे उत्सव का वातावरण बना दिया मुझे जानकर भी अच्छा लगा कि हमारी पंचायतों ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के स्वागत के लिए हर गांव में अच्छी स्वागत समितियां बनाई हैं गांव के सब बड़े बुजुर्ग समाज के सभी वर्ग के लोग सबको स्वागत समितियों में जोड़ा है और स्वागत समिति के लोग इसका स्वागत करने के लिए तैयारियां कर रही है जिम्मेदारियां संभाल रही है मोदी की गारंटी की वाली जो गाड़ी आने वाली है ना इसकी एक दिन पहले से घोषणा हो रही है अब तो मैंने कोशिश की है कि भाई जरा एक दो दिन क्या सप्ते पहले बता दो भाई फलानी तारीख को आएगा डिगनी तारीख को आएगा इतने बजे आएगा तो गांव वालों का इतना उत्साह है तो पहले से अगर पता चलेगा तो ज्यादा तैयारियां करेंगे और जिन गांव में गाड़ी जाने वाली नहीं अगल बगल के दो चार पांच किलोमीटर छोटे छोटे कस्बे होते हैं उनको भी बुला सकते हैं स्कूल के बच्चों से लेकर के बुजुर्गों को भी इस योजना में शामिल किया जा रहा है और मैंने देखा उसमें सेल्फी पॉइंट बनते हैं इतनी सेल्फी लोग ले रहे हैं और गांव के भी माताएं बहनें मोबाइल फोन का उपयोग करना सेल्फी लेना और ये सेल्फी अपलोड करते हैं मैं देखता हूं इतने खुश नजर आते हैं लोग और मुझे संतोष है कि जैसे जैसे ये यात्रा देश के कोने कोने में पहुंच रही है लोगों का उत्साह और ज्यादा बढ़ता जा रहा है ओडिशा में जगह जगह पारंपरिक ट्राइबल डांस से नृत्य करते हैं लोग जो परंपरागत हमारे आदिवासी परिवारों में होता है इतना शानदार नृत्य हो रहे हैं उनका स्वागत किया है वेस्ट खासी हिल के मुझे कुछ लोगों ने फोटो भेजे उसका वीडियो भेजा वेस्ट खासी हिल के रामराय में कार्यक्रम के दौरान स्थानीय लोगों ने खूब सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम किए नृत्य का आयोजन किया अंडमान और लक्षद्वीप दूर दूर कोई पूछता नहीं ऐसे इलाके इतना बड़ा शानदार कार्यक्रम लोग कर रहे हैं और बड़ी खूबसूरती के लिए किए जा रहे हैं करगिल में जहां अब तो बर्फ गिरी है वहां पर भी स्वागत कार्यक्रम में कोई कमी नजर नहीं आ रही है मुझे अभी बताए एक कार्यक्रम में अभी तो बोले आसपास के लोग इतनी बड़ी मात्रा में आए छोटा सा गांव था लेकिन 4,500 लोग इकट्ठे हो गए ऐसे अनगिनत उदाहरण रोज देखने को मिल रहे हैं वीडियो देखने को मिल रहा है पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ है मैं तो कहूंगा कि इन कामों की इन तैयारियों का जो काम हो रहा है शायद मुझे तो पूरा पता भी नहीं होगा इतनी विविधताएं लोगों ने की है इतनी उसमें नए रंग भर दिए हैं नया उत्साह भर दिया है मुझे तो लगता है शायद इसका एक बहुत बड़ी लिस्ट बनानी चाहिए ताकि गारंटी वाली गाड़ी जहां जहां पहुंचने वाली है उनको भी तैयारी करने के लिए काम आ जाए ये सारे सुझाव जो लोगों ने किया है वो अनुभव उनको भी काम आ जाए तो ये उसकी भी अगर एक लिस्ट बन जाए और वो भी पहुंच जाए तो गांवों में उत्साह बढ़ाने में काम आएगा इससे उन क्षेत्रों के लोगों की भी मदद मिलेगी जहां ये गारंटी वाली गाड़ी पहुंचने वाली है जो करना चाहते हैं लेकिन क्या करना वो पता नहीं है उनको आइडिया मिल जाएगा साथियों सरकार की लगातार कोशिश है
कि जब मोदी की गारंटी वाली गाड़ी पहुंचे तो गांव का हर एक व्यक्ति उस गाड़ी तक जरूर पहुंचना चाहिए, घंटे भर के लिए खेत का काम छोड़ करके जाना चाहिए, हर बच्चों को, बूढ़ों को, बुजुर्गों को, सबको ले जाना चाहिए, क्योंकि हमें देश को आगे बढ़ाना है। और जब ऐसा होगा तभी हम हर लाभार्थी तक पहुंच पाएंगे, तभी शत प्रतिशत सैचुरेशन का जो संकल्प है ना, वो पूरा हो जाएगा। हमारे इस प्रयास का गांव गांव में असर भी दिखाई दे रहा है। मोदी की गारंटी वाली गाड़ी पर पहुंचने के बाद लगभग 1,00,000 नए लाभार्थियों ने उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन ले लिया है, आवेदन किया है। कुछ गांव है, जैसे अभी मैं बात कर रहा था बिहार से, तो हमारी प्रियंका जी कह रही थी मेरे गांव में सबको वो पहुंच गया है, अच्छा लगा मुझे। लेकिन कुछ गांव है जहां एक दो लोग रह गए, तो गाड़ी पहुंचती तो वो भी ढूंढ ढूंढ कर उनको दे रहे हैं। इस यात्रा के दौरान मौके पर ही 35,00,000 से अधिक आयुष्मान कार्ड भी दिए गए हैं। और आयुष्मान कार्ड यानी एक प्रकार से किसी भी बीमार व्यक्ति को जीवन जीने का एक बहुत बड़ा अवसर की गारंटी बन जाता है। गारंटी वाली गाड़ी पहुंचने पर जिस प्रकार लाखों लोग अपना हेल्थ चेकअप करा रहे हैं, और मुझे खुशी है कि सभी राज्यों में हेल्थ का कैंप लगता है इसके साथ, तो गांव में डॉक्टर बड़े बड़े आ रहे हैं, मशीन आ रहे हैं, तो सबका मेडिकल चेकअप हो जाता है, शरीर की तपास हो जाती है, तो पता चल जाता है कुछ कमी है क्या। मैं समझता हूं ये भी एक बहुत बड़ा सेवा का भी काम है, संतोष मिलता है। बड़ी संख्या में लोग अब आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में जाकर, जिसको पहले हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर कहते थे, अब लोग उसको आयुष्मान आरोग्य मंदिर कह रहे हैं, वहां पर जाकर के भी भांति भांति के टेस्ट करवा रहे हैं। साथियों, केंद्र सरकार और देश की जनता के बीच एक सीधा रिश्ता, एक भावात्मक रिश्ता। और मैं तो जब कहता हूं ना आप मेरे परिवारजन, तो मेरे परिवारजनों तक पहुंचने का ये आपके सेवक का एक नम्र प्रयास है। मैं आपके गांव तक आ रहा हूं, गाड़ी के माध्यम से आ रहा हूं, क्यों, आपके सुख दुख का साथी बनूं, आपकी आशा आकांक्षाओं को समझूं, उसको पूरा करने के लिए पूरी सरकार की शक्ति लगाऊं। हमारी सरकार माई बाप सरकार नहीं है, बल्कि हमारी सरकार तो महतारी पिता की सेवक सरकार है। माँ बाप का जो एक बच्चा सेवा भाव करता है ना, वैसे ही ये मोदी आपकी सेवा का काम करता है। और मेरे लिए तो जो गरीब है, जो वंचित है, वे सब लोग जिनको कोई पूछता नहीं है। और यह देश के प्रधानमंत्री संबोधन कर रहे हैं, और यह संबोधन হিতাধিকাৰীসকলৰ বাবে ভাৰত সংকল্প যাত্ৰাত এনেধৰণেই দেশবাসীক হিতাধিকাৰীসকলক সম্বোধন কৰি নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ভাষণ আগবঢ়ালে। সময় হৈছে এতিয়া বাতৰি ভাবিলে লোৱাৰ, কিন্তু পৰৱৰ্তী বাতৰিত অধিক খবৰ লৈ আহিম। নমস্কাৰ।